मंदिर पहुंचे हैं और ये लाइन लगी है, ये पीछे देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का समय है, अभी ज़्यादा समय 7 बज रहे होंगे, सुबह सुबह लाइन लग गई, इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई है। और रविंद्र चल के दर्शन हमारे सभी को बनारसी अगर के बनारसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बनारस नहीं, हम लोग जौनपुर आए हैं और आपको मैं जैसे बोला कि नवरात्र भर में दर्शन कराऊंगा कहीं ना कहीं, तो हम लोग चले हैं शीतला माँ दर्शन करने, चौकिया माता मंदिर जो कि जौनपुर में स्थित है। और जैसा कहा गया कि 7 शीतला माँ का, शीतला माँ का 7 जगह छाया है, उसमें से 5वां जगह ये आ जाता है जहाँ तक कि हमें जानकारी जाना गया उसको, इसके बारे में इतनी जानकारी हासिल हुई है। तो मन हुआ कि चलिए जौनपुर में चलते हैं, चौकिया माता के दर्शन करते हैं और आप लोग को भी दर्शन कराते हैं यहाँ के। और हम बस अभी पहुँचे ही हैं मंदिर, ठीक, और अभी सुबह का समय हो रहा है, 7-8 बज रहा होगा, अभी हम अंदर चलेंगे दर्शन वर्शन करेंगे। 7-8 के बज रहा होगा टाइम का, मेरे को आइडिया नहीं है, उससे अभी कम ही हो रहा हो, तो अंदर चल के अभी दर्शन वर्शन करेंगे, कोशिश करेंगे आप तक दर्शन मैं करा भी दूं और जितनी भी जानकारी यहाँ की है वो आप तक पहुँचा भी दूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो पर अगर नए बने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपसे मिलेंगे वीडियो के एंड में, चलिए गाइस चलते वीडियो को स्टार्ट। हम लोग ये बस रास्ते में है और ये जैसे देखिए मार्केट जो देख रहे हैं एकदम सेम उसी तरह मार्केट से अदलपुरा का मार्केट है विंध्याचल का, इसी तरह हम लोग करीब 1 किलोमीटर पहले ही बाइक पार्किंग में लगा दी है और चलते ही जा रहे हैं। इधर आपको सारा ये देखिए प्रसाद वसाद मिल जाएगा, पहली बार हम आए इधर दर्शन करने चौकिया माता, चल के देखते हैं दर्शन करा पाते हैं कि नहीं। और ये देखिए मंदिर का मेन प्रवेश द्वार है, हम लोग पहुंच गए हैं, ये मेन एंट्रेंस है मंदिर का मेन प्रवेश द्वार, और यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे सीधे मंदिर में। और ये देखिए ये बड़ा सही है, इसी तरह विंध्याचल में भी बन रहा है, ऊपर से टीन सेट दिया गया है। हम लोग एकदम ठीक मंदिर के सामने पहुंच गए, चौकिया माता शीतला जी सर, ये 5वां पीठ है। अच्छा 5वां पीठ है, 7 पीठ में से ना, जैसा कि कहा गया शीतला माँ 7 चरण छोड़ी है अपना, 7 जगह उनका चरण है, तो 5वां जगह ये है। तो हम लोग ये मंदिर के बाहर खड़े हैं एकदम ठीक, यही मंदिर का मेन एंट्रेंस है, यहाँ आपको माले फूल पूरा मिल जाएंगे। मंदिर पहुँचे हैं और ये लाइन लगी है, ये पीछे देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का समय है, अभी ज़्यादा समय 7 बज रहे होंगे, सुबह सुबह लाइन लग गई, इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई है। और रविंद्र चल के दर्शन वर्शन करें, बस मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और ये भीड़ देख सकते हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है, सुबह का समय है तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। और आज 6वां दिन है नवरात्र का, हम लोग दर्शन करने आए हैं, सामने देख सकते हैं सामने माता शीतला विराजमान है। पहली बार मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ, जौनपुर में स्थित माँ चौकिया माता मंदिर, कहा जाता है माता ने 7 जगह अपना चरण छोड़ा था, इसमें 5वां जगह ये है शीतला माता साथ में है। गुरु जी बड़ी शीतला माता कौन है, छोटी शीतला माता कौन है, ये बताएंगे थोड़ा। अदृश्य है ये, बड़ी शीतला माता छोटी शीतला माता अदृश्य है, तो ये दोनों ये दक्षिण मुखी शीतला माता है जो उनको यहाँ रखा गया तब जाके वो इसी जगह स्थापित हुई है। शीतला माता के आप दर्शन कर लीजिए और इसके बाद गुरु से जानेंगे इसके बारे में पूरा इतिहास। जय हो माता रानी। सुन करके निकलेंगे ही बाहर एक गुरु जी बैठे हैं, तो गुरु जी से थोड़ा जाना जाएगा। गुरु जी जो शीतला माता मंदिर है इनके बारे में थोड़ा माई का कुछ बताइए, क्या विशेषताएं हैं, कैसे माँ यहाँ प्रकट हुई। यहाँ एक देवचंद नाम के मालिक थे, अच्छा, इनके नाम से एक ग्राम पंचायत भी आ गई, ग्राम पंचायत का नाम देवचंदपुर है, लेकिन देवी जी के नाम से पूरा एरिया महसूस हुआ कि मैं यहाँ तालाब के किनारे हूँ, तालाब के अंदर हूँ, मुझे निकालो। मतलब यहाँ जो रहते थे उनको स्वप्न आया, जैसे अदलपुरा, जैसे अदलपुरा में भी यही कहानी है, भूल जाते हैं, वैसे उन्होंने भी रिवाइव किया उस बात को, ध्यान नहीं गया। रात में एक दिन जैसे कोई अधिक शक्ति उठा ले, चलो मैं बताती मैं कहा, अच्छा, पानी मारे तो पानी के ठीक उठाने के बाद उनको किस पैर से टकराई, उन्होंने उठाया और इसी तालाब के किनारे बेदी बना करके उसके स्थापना की। और तो पहले ये तालाब हुआ करता था, ये देवी जी के सामने जो नीम का पेड़ है, हाँ हाँ ये नीम का पेड़, इतिहास नहीं बता सकता कितने साल पुराना पेड़ है, लेकिन बहुत पुराना पेड़ है ये। मैं अपने पिताजी को तो मैं कहें कि मैं भी अपने इतने बड़ा देखता, तो जब मोहम्मद शाह आया तो
यहाँ दो मूर्तियाँ विराजमान, एक तो बड़ी माता छोटी माता के नाम से तो जो दूसरा शासन चल रहा है। तो यहाँ एक पांडे गोमती नदी किनारे पांडरीबा मोहल्ला है, यहाँ एक शिवका जी का मंदिर था। जब उसको तोड़वाने पर यहाँ की धर्मप्रेमी जनता ने किसी तरह रात की मूर्ति और ला करके मूर्ति के बगल में मूर्ति को भी स्थापित कर दिया। यहाँ दो मूर्तियाँ विराजमान, एक तो बड़ी माता छोटी माता के नाम से। अच्छा, बड़ी शीतला जी छोटी शीतला जी। और जो दक्षिण मूर्ति के बारे में जानकारी यहाँ पर है, मूर्ति को किस दिशा में स्थापित किया जाए अपने आप पता रात में गिर जाएगा। अच्छा, मतलब जिस दिशा में स्थापित किया गया था मूर्ति को गिर जाती थी अपने आप पता। जब दक्षिण दिशा में मूर्ति को स्थापित किया गया तब तक मूर्ति को ही विद्यमान। अच्छा, यहाँ की मान्यता ये है कि जैसे कि जब माँ को यहाँ पे स्थापित किया गया तो माँ को जब किसी और दिशा में स्थापित किया जा रहा था तो वो गिर जा रही थी, लेकिन जब उनको दक्षिण मुखी दिशा में उनको जो अपनी दिशा में स्थापित किया गया तब जाके वो प्रसन्न हुई, तब जाके वहाँ रुकी। और यहाँ की मान्यता ये भी कि बहुत जल्दी माँ प्रसन्न हो जाती है। और यहाँ भक्तों की भीड़ नवरात्र में बहुत लगी रहती है। बहुत काफ़ी भीड़ होती है, वैसे भी यहाँ अप्रैल से लेकर सावन तक हर शुक्रवार सोमवार पूर्णिमा को काफ़ी भीड़ रहती है। वही मैं देखा, भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ रहती है। और ये सर गुरु जी बोले नीम का पेड़ है, ये मतलब बहुत ही पुराना पेड़ है, ये समझे मंदिर के आसपास का ही वो पेड़ है, मतलब काफी साल पुराना हो गया ये। तो पहले पूरा एक कीड़ा था, एक जंगल था, एक जंगल रहा होगा पूरा। धीरे 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 यहाँ एक जमींदार थे, उनको कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने माँ से मन्नत माना अगर मेरा पास कर दिया तो मैं आपको मंदिर जो है मंदिर नारायण जी की मूर्ति है। तो 1,25,000 के जमाने में चांदी का सिक्का निकाला था। अच्छा, मतलब किसी का मनोती मांगा हुआ था पूरा हो गया, उन्होंने ये मंदिर बनवाया, नारायण जी का मूर्ति बनवाया, मंदिर की चार दीवारी और तारा को उस चांदी 1,25,000 सिक्के से बना हुआ जी जी जी। और उस जमाने में बैलगाड़ी से पत्थर आए हैं यहाँ, और उस समय की बातें अलग, 2,500 साल पुरानी। तो यही इतिहास मंदिर का रहा है। तो ये परिक्रमा जब कर लेंगे आपको इधर ही देखिए कुंड दिखेगा, और इधर ही सत्यनारायण भगवान की ये दर्शन आपको करने को मिलेगा। ये भगवान इधर है, और इधर ही से निकलेंगे तो यहाँ पे ये कुंड है। तो ये कुंड देखिए, अच्छी बात ये है कि इसमें देखिए पूरा प्रिकॉशन के साथ इसको तैयार किया गया है, काफ़ी साफ पानी ये है, इस चारों तरफ बैरियर लगाया गया है, ये परमानेंट, इसके आगे आपको नहीं जाना है, गहरा हो सकता है पानी। ये देख सकते हैं हम लोग जब आए थे तो लाइन कुछ नहीं था, बस मंदिर के मेन गेट से बाहर से लाइन थी, और अभी ये लाइन बढ़ती ही जा रही है, पीछे दो लाइन चल रही है, करीब 2,500 लोग हैं लाइन में। ये कि दर्शन तुरंत कराया जा रहा, फटाफट दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हुआ, चौकिया माता का दर्शन। पहली बार जब गया तो उसमें दर्शन तो अच्छा हुआ, लेकिन ये है कि उसमें उस टाइम पे वीडियो नहीं मिल पाया, लेकिन सेकंड टाइम में फिर गुरु जी से बात किया, गुरु जी ने कहा ठीक है कोई नहीं चलिए वीडियो बना लीजिए, मैंने बताया। और यहाँ के बारे में जाना गया है, जैसे कि आदलपुरा शीतला माँ है, उनको भी स्वप्न आया था वहाँ की जो मल्ला है कि वहाँ पे गंगा जी में उनकी मूर्ति है, आके मुझे निकाली, मतलब वहाँ पे वो हैं। इसी तरह यहाँ पे तालाब हुआ करता, यहाँ के जो निवासी उनको भी स्वप्न आया कि यहाँ से उनको निकालिए, निकाल के उनको स्थापित करिए, तो उन्होंने फिर स्थापित किया गया। और यहाँ पे दो शीतला माँ है, एक बड़ी शीतला माँ है और एक छोटी शीतला माँ है, एक अदृश्य है एक दृश्य है। तो यहाँ का ये है कि मतलब कि दक्षिण मुखी शीतला माँ ये हैं, क्योंकि इनको दक्षिण मुखी शीतला माँ है, इनको जब जब स्थापित किया गया था वो किसी दूसरे दिशा में, तब फिर वो क्या हो रहा था कि वो मूर्ति गिर जाती थी, जब उनको रखा गया तब भी गिर जाती थी, लेकिन जब उनको दक्षिण में रखा गया तो उसके बाद से वो उसी जगह पे स्थापित ही है। तो ये चीज़ एक अलग ही रहस्य है। और ये है कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है और बहुत माँ प्रसन्न होती है, जैसे कि आप जाएंगे माँ को देखेंगे भी ना तो उनके चेहरे पे एक स्माइल अलग सा स्माइल दिखेगा। तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। तो यही था इस वीडियो में आप लोगों को चौकिया माता दर्शन कराना था, और जितनी जानकारी हो सकी उतनी जानकारी अब तक हासिल की गई। और जो सत्यनारायण भगवान का जो मंदिर था वो एक दर्शनार्थी थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने आया मंदिर को बनवाया और सत्यनारायण भगवान का मंदिर भी वहाँ बनवा दिया गया। तो यही सारी चीज़ें थी। चलिए फिर गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे उसको शेयर जरूर करें।